कानपुर थाना चकेरी लगभग डेढ़ वर्ष पहले पति गुलाब और पत्नी सीमा उर्फ मन्नी के बीच तनाव पैदा हुआ, जिसका कारण पति ने पत्नी का गलत चरित्र बता दिया। लिहाजा वह पत्नी को मायके छोड़ने चला गया। पत्नी को मायके छोड़कर वापस भी आ गया। जब दोबारा लेने गया तब भी उसने अपनी बात सास ससुर से कही। माता पिता ने लड़की को समझा बुझा कर पति के साथ भेज दिया, जहाँ से तीन बच्चों की माँ बच्चों और पति को छोड़कर घर से फरार हो गई। माता पिता को पुत्री के ससुराल में न होने की खबर मिली तो उन्होंने वहां जाकर पता किया। फिर भी कोई सूचना न मिलने पर पुलिस के पास पहुंचे, जहां पर उन्हें पुलिस द्वारा ही चकेरी के काशीराम में एक बोरे में महिला की लाश बरामदगी की बात पता करी जहां पर उन्हें पुलिस द्वारा ही चकेरी के काशीराम में एक बोरे में महिला की लाश बरामदगी की बात बताकर शिनाख्त के लिए ले जाया गया। सीमा की माँ ने पुलिस द्वारा दिखाए गए कपड़ों से अपनी ही बेटी होने की शिनाख्त की और दामाद ने उसके पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के डेढ़ वर्ष बाद अचानक गुलाब को पत्नी के मायके में होने की खबर मिली। आनन फानन में गुलाब बांगरमऊ पुलिस की सहायता लेकर ससुराल पहुंचा और पत्नी को पहचान पत्नी और सास को पुलिस के हवाले कर दिया, जहाँ से थाना चकेरी की पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर आगे की कार्यवाही के लिए कानपुर ले आई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। आपका मोहम्मद गुलाब आज थाना चकेरी क्यों आए हुए? यहाँ हमारी बीवी डेढ़ साल पहले लापता थी। क्यों लापता? वो किसी से चक्कर था उसका। अच्छा। मिल गई है क्या? आज मिल गई है। डेढ़ साल उन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम लगाया था। काशीराम में एक गाड़ी मिली थी, उस पे हमको रख दिया था। हमारे सास ससुर ने कहा था मेरी बेटी वही है। अच्छा, बेटी को मृत घोषित कर दिया? हाँ, मरी घोषित किया जी। उसका हत्या का आरोप तुम्हारे ऊपर? हमारे ऊपर लगा दिया था हत्या का आरोप। हमारे ऊपर लगाया था मोहम्मद गुलाब और नबी अहमद। अच्छा। हाँ, हमको जब पता चला मुरादाबाद अपने मायके में मौजूद हैं तो हम मायका मुरादाबाद है। हाँ, मायका मुरादाबाद है, मौजूद हैं तो हम कल जाके परसों पता चला है हमको उनकी बड़ी माँ के मुँह। तो आपने क्या किया फिर? हम गाड़ी से वहाँ गए और पुलिस वहाँ की लिया मुरादाबाद चौकी की। फिर उनके घर में उनके वन दबी डाल के लेके आए पुलिस वाले बांगरमऊ चौकी में, थाने में। और थाने से जो है फिर कचहरी की पुलिस गई है, वो लेके आई। कचहरी पुलिस वहाँ से लेकर लेके आई। अभी तक क्या कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा? पुलिस ने हमको परेशान नहीं किया, हमारा गुमशुदा थी कागज थे। अभी अपने हिरासत में रखे हुए हैं, क्या पुलिस क्या कह रही है? अभी उनको यहाँ रखे हैं अपने वहाँ, हमारी सास को हमारी बीबी को। कोई कार्रवाई नहीं की है अभी? अभी ये नहीं मालूम हमको सर। अभी कल कितने समय लाए गए? कल ऐसे ही आई हूँ 6 बजे। ये कैसे पहचान हुई थी कि ये आपकी पत्नी है? अरे माँ ने कैसे पहचान किया? उनकी माँ ने कैसे पहचान? वो कपड़ा पहचान रही थी, कम्बल पहचान रही थी। वो कह रही थी ये कपड़ा भी मेरा है, ये कम्बल भी मेरा है और ये कपड़ा भी मेरा है। इसलिए उन्होंने कहा था ये जो मरी है मेरी बेटी है उसके उसमें हमको चाहे दिन यहाँ रोके। आपकी पत्नी मिल गई है तो आप क्या चाहते हो? हम छुटकारा चाहते हैं भैया। रखना चाहते हो? नहीं, रखना नहीं चाहते। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगा रही, आरोप मारते हैं। वो तो जाने क्या क्या लगाएंगे भैया, इतना बड़ा केस लगा दिन और जो पाएंगे वो लगा लेंगे। भाई कभी मारा ही नहीं, पूरे महल्ले में पता कर ले आप। उसका कहना है कि हम वहाँ भीख मांग के अपना गुजर बसर कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने घर से हमारे घर से गई 24 तारीख के भाई।